नमस्कार साथियों, मैं एस के सागर एनसीआर करंट न्यूज से। और हम जो आज जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो श्री रतिकांत जी कानूनगो हैं। इनको शिक्षा, व्यापार और सामाजिक राजनीतिक के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हुई है और इस उपलब्धियों के तहत इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पीस यूएसए के थ्रू। ये कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को आजाद भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके तहत आज हम रतिकांत कानूनगो जी से एक मुलाकात करने आए हैं इनके कार्यालय पे और इनसे बातचीत करेंगे। मैं रतिकांत कानूनगो हूँ, भुवनेश्वर ओडिशा का। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स का बाद हमने बिजनेस में थे। बिजनेस में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड जगन्नाथ की कृपा से थोड़ा सफल होने का बाद हम सामाजिक कार्यों में अपने आपको नियोजित किए हैं। और सामाजिक कार्य के तहत हमने एजुकेशन में है, जो बच्चे लोग को हमने पढ़ाते हैं, स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। आजकल जमाने में आजकल जो कंट्री चाहता है क्वालिटी टेक्नोक्रेट्स, हम उसी कॉलेज के थ्रू से सफल इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम रीजनल फिल्म भी उड़िया लैंग्वेज में किए हैं, 4 फिल्म। उसका बाद हमारा रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। हम उस रियल इस्टेट कंपनी की थ्रू से जो नीडी लोग हैं उसको हम सेल्टर देते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, इजी इंस्टॉलमेंट में। बिसाइड्स दोज बिजनेसेस आई एम नाउ इनटू पॉलिटिक्स आल्सो। पॉलिटिक्स करने का यही मकसद है हमारा कि हमारा जो खुद का निर्वाचन मंडली है ओडिशा का केंद्रापड़ा जिला का पटकुरा, उसी कंस्टिट्यूएंसी का जो लोग है उसको सेवा देना। कि आपको जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने, यूएसए की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने आपको डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है, तो आपको सर्च कैसे किया उस यूनिवर्सिटी ने, आप तक पहुंचे कैसे? नहीं, हमने उसको अप्लाई किया था जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पीस फ्लोरिडा यूएसए को। हमने हमारा जो रिज्यूम है, बायोडाटा है, हमने जो जो काम किया है उसी सबको दे के उसका प्रूफ सब दे के हमने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था। और दैट यूनिवर्सिटी इस सब को रिकॉग्नाइज करके हमको ये ऑनरारी डॉक्टरेट डिग्री दिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर ऑफ दैट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पीस फ्लोरिडा यूएसए। एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, दोज हु हैव डन द मीटिंग इन आजाद भवन ITO दिल्ली। हमारा जो लोग है राज्य के, हमारा निर्वाचन मंडली के और हमारा भारत के, उसी लोगों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेवा देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा में बहुत सारे स्लम एरिया है, गरीब लोगों की वहां पे संख्या भी अधिक है, तो आपने वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्यक्रम आयोजित किए? उड़ीसा तो गरीब राज्य है लेकिन अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन हमारा जितना हम कर सके, हमारा जो NGO वगैरह है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, हम खुद उसमें शामिल होके गरीब बच्चा जो है हम इसको जितना कर सके उसको हम हेल्प करते हैं। एजुकेशन में उनको ट्यूशन फी देने में, स्कूल फी देने में, उनको बुक्स वगैरह देने में, जो पेरेंट्स उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, हम भी कुछ बच्चे को पढ़ाने में मदद करते हैं। हेल्थ में जिन्होंने मेडिसिन के लिए पैसा नहीं उनका पास, उनको भी मदद करते हैं। इसीलिए हमारा ये संग्राम जारी है। तो आपको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो किस उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको दिया गया है? द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन एंड न्यू जर्नी एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ 10-12 सालों से। मैं उनके हमेशा जो बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन है, जो गरीब अपाहिज बच्चे और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, उनके समय समय पे हम सहयोग करते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं। बीम फ्यूचर फाउंडेशन का बड़ा आभारी हूँ, हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। यहाँ भी जरूरत होती है हम लोग जाते हैं, जिस तरह की किसी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत होती है तो उसको फंड दिलवाते हैं, कोई बीमार होता है उसको मेडिकल एड दिलवाते हैं। और एक प्रत्येक स्पेशल स्कूल है बच्चों के लिए रानीखेड़ा मुंडका के अंदर, उनको भी हम लोग देखभाल करते हैं। इस करके मैं हमेशा इन लोगों के साथ, फाउंडेशन के साथ रहता हूँ। इन लोगों ने इस लायक समझकर मुझको अवार्ड दिए। रमेश जी के आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आप कितना अच्छा भी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी लग रहा है अवार्ड देने के लिए। मैं सोचता हूँ ये अवार्ड सब जुड़ी के जो यंग हिमाचल है उनको सबको मिलना चाहिए अवार्ड, क्योंकि जो अपना कार्य में सफलता पूर्वक काम किए हैं
उनको एक जो अवार्ड है उनको मिलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मैं प्लांटेशन में थोड़ा सा रुचि रखता हूँ, बहुत सारे पॉल्यूशन जहाँ पे होता है इको फ्रेंडली वर्क जो होता है मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारी जगह में पेड़ पौधा का कटा जाए मैं उसको जाके विरोध करता हूँ, और पेड़ भी नया पेड़ के लिए उन लोगों को समझता हूँ गांव में। और बहुत सारी मिनिमम मेरा लाइफ टाइम 10 ईयर्स में बहुत सारी आप गिनती करेंगे तो बहुत सारी पेड़ भी खुद लगाए हूँ, और लगाने की जो स्पीड है बच्चा लोग को समझता हूँ हर गाँव में हर सिटी एरिया में, ये इसलिए शायद मेरे को ये चुनाव हुआ होगा। आपने जो अभी तक कितने बच्चों को प्रोत्साहित किया है? बहुत सारी मिनिमम 500-600 से जब मास्को में समझाया खुद पर्सनली 500-600 पीपल्स को मैं खुद जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं। मैं वो पेड़ के लिए और अच्छा जो कल्टीवेशन करने के लिए जो जो विलुप्त प्राय जो प्लांट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स है उसको हर सड़क का पास में लगाइए, और काम पे जो सीड्स आप बाहर मत फेंकिए, उस सीड्स को कहीं जंगल में आप घर में इकट्ठा करके रखिए, जंगल में कहीं भी जाते हो आप भेज दीजिए, ऑटोमेटिकली वो प्लांटेशन हो जाएगा। ऐसे सारी बहुत सारी हैं। तो आप जो पौधे लाते हैं वो किस जगह से आपको? हम नर्सरी से लाते हैं, बहुत सारे से कलेक्शन करते हैं, अपना सीड्स बनाते हैं, सीड्स देके बनाते हैं। तो ये नर्सरी वाले आपको फ्री में पौधे तो देते हैं? नहीं नहीं नहीं, अपना नहीं नहीं, मेरा फंड्स खर्च करके मैं जो लोग को फ्री में देता हूँ, और सब गांव पंचायत है पंचायत सरपंच जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कम से कम आपको पंचायत में इतना पेड़ लगना चाहिए। वो बोलते पेड़ कहाँ से आएगा, मैं बोला गाड़ी से उनको भिजवा देता हूँ, और अपनी अपनी जो लोग हैं एक एक नाम करके दो दो एक एक आदमी दो दो नाम में अपने खड़े होके फोटो लेके। कितने साल हो गए? 9 साल, लगभग 9 साल। जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको मैसेज देता हूँ कम से कम लाइफ में जो भी अपना अपना काम करो, लेकिन पौधा लगाने का इतना बड़ा ये नहीं है, खुद कोई आपको फ्री में नहीं देता है, तो खुद खरीद के कम से कम जहाँ पे खाली जमीन है वहाँ पे पेड़ लगाइए। हमारे साथ रतिकांत कानून जी थे जिनके साथ हमने अभी इंटरव्यू किया, और इनके साथ जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ पीस यूएसए है, इन्होंने और लोगों को भी मानक उपाधि दी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है अपनी अपनी यूनिवर्सिटियां उनको मानक उपाधि देती है, और लोगों को जो मानक उपाधि दी है उनमें श्री संतोष कुमार जैना जी हैं जो पांडव जैना फाउंडेशन के चेयरमैन है, और दिल्ली में भी इन्होंने बहुत से पुअर लोग गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं समय समय पर, इनको भी डॉक्टरेट इन पॉलिटिशियन में मानक उपाधि दी गई है। मीना कांते अमात जी जिनको डॉक्टर इन सोशल सर्विस में मानक उपाधि दी है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया है। एस के मुस्लिम तुला जी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट इन सोशल सर्विस में भी अप्लाई किया था और उनको भी इस यूनिवर्सिटी ने मानक उपाधि से नवाजा है। तुला जी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं और 100 कन्याओं का विवाह भी करवाया है। अगर कोरोना का जो बहुत भयावह समय बीता है इसमें इन्होंने बाहर जाके इन्होंने लोगों की और गरीब लोगों की सेवा की है, खाना वितरण करवाया है, और जिन लोगों को दवाइयों की जरूरत थी उनको दवाइयां भी वितरित कराई है। उनके क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी है वो जब तहकीकात करती है और जिन लोगों को लगता है कि इनको इन्होंने सचमुच में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है तभी उन लोगों को अपनी जो डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजती है। चैनल की टीम और पूरा मीडिया ग्रुप ऐसे लोगों का धन्यवाद करता है और आगे बढ़ने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी करता है कि आप वो अपने अपने क्षेत्र में आगे हमेशा काम करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और जरूरत मंदों की मदद करते रहे। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप मेरी हमारे साथ देखते रहिए NCR करंट न्यूज। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।